हरियाणा में लोगों की सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। इसका नतीजा है आए दिन छोटी छोटी रंजिशों में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। सोनीपत के गन्नौर कस्बे के प्रधानावास मोहल्ला में बीती रात एक युवक की चाकू घोंप कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक को इससे पहले डंडे और बैट से भी बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिक्योरिटी गार्ड व अन्य तीन पर केस दर्ज किया है। दुश्मनी सिक्योरिटी गार्ड के घर को आग लगाने की बताई जा रही है। शव काय पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप है कि मृतक के दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड के परिवार की रंजिश चली आ रही है। किसी रंजिश में सिक्योरिटी गार्ड का बेटा मृतक युवक को पहले धमकी भी चुका था। एक दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, जिसका आरोप सिक्योरिटी गार्ड ने मृतक के दोस्त व अन्य पर लगाया था, जिसके बाद देर रात हत्या की वारदात हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के गांव ललहेड़ी कला निवासी राहुल ने पुलिस को बताया कि वे फिलहाल गन्नौर के गांधी नगर में रह रहे हैं। उसके छोटे भाई अंकित की गन्नौर गांव स्थित प्रधानावास मोहल्ला निवासी मांकित त्यागी व नया बांस निवासी मोहित उर्फ केडी के साथ दोस्ती थी। अंकित रविवार सुबह अपने साथी मांकित के घर आया था, जब वह देर रात 11 बजे तक नहीं लौटा। इसके बाद वह भाई को तलाश करता हुआ अंकित के घर गया। राहुल का आरोप है कि वहां पर मांकित का पड़ोसी रामकिशन, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, उनका बेटा सुमित, पत्नी व बेटी अंकित से मारपीट कर रहे थे। रामकिशन डंडे से वार कर रहा था तो उनका बेटा सुमित चाकू से वार कर रहा था। उनकी बेटी बैट व पत्नी लात से हमला कर रही थी। मांकित व केडी उसके भाई को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमलावर उसे छोड़ नहीं रहे थे। उसने मौके पर भाई को पिटता हुआ देखकर शोर मचाया। इसके बाद रामकिशन व उसके परिजन भाग गए। उसने भाई अंकित को संभाला तो उसकी मौत हो गई थी। वह अंकित को लेकर अस्पताल में पहुंच गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बाद में गन्नौर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रख दिया। बताया गया है कि अंकित के दोस्त मांकित और सिक्योरिटी गार्ड के परिवार में रंजिश थी। एक दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, जिसका आरोप सिक्योरिटी गार्ड ने अंकित के दोस्त व अन्य पर लगाया था। इसी को लेकर रविवार रात को कहासुनी में अंकित की पीट पीट कर और चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि अंकित के भाई गोलू पर सिक्योरिटी गार्ड ने एक मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिसके चलते वह जेल में है। दोनों परिवारों में पहले से ही रंजिश थी। उसके भाई अंकित को भी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे सुमित ने मंकित से दूर रहने की धमकी दे रखी थी।